नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने लोकसभा के चुनाव में बैक ना करने और इसके साथ ही साथ किसी का बात ना मानने का बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि माँ का आशीर्वाद लेकर के जब मैं चला था तो सिर्फ एक व्यक्ति का आशीर्वाद था, आज हजारों लाखों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है और कार्यकाल की जनता हमें जीत के तरफ वोट देने की बड़ी अपील कर चुकी है। दोस्तों, इन सभी खबरों को विस्तार से देखने से पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस से लेकर के तमाम अनेक राजनीतिक दलों की भूमिका इस बार बिहार में चिराग पासवान के सामने फीका पड़ा। बड़ा खबर, बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर उठते कई सवालों के नए जवाब को लेकर के विस्तार से आपको खबरें देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने लोकसभा के चुनावों को लेकर के एक सरगर्मियां तेज कर दिए। तेजस्वी ने लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ी प्रयास, एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। हालांकि दोस्तों, ये बात साफ है कि नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव के रिश्ते के टूट जाने के बाद बिहार में जातीय जनगणना के प्रभाव को अपने समर्थन में जोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन बड़ा खिलाड़ी तो गिरिराज सिंह में है। भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामे रखने के साथ मजबूती के साथ अपने बुलंदियों को, सितारों को मजबूत कर रहे हैं। बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी खबर यह है कि आज बिहार पुलिस के वैकेंसी को निकालने की कोशिश हो रही है ताकि बिहार में ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया जा सके। जीतन राम मांझी ने लोकसभा के चुनाव में अपनी पार्टी की एक अलग भूमिका और बेहतरीन जानकारियों के साथ बड़ी बातों को पेश किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए यह 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी खबर और जानकारी इस वक्त कांग्रेस को लेकर आ रही है। कांग्रेस ने 2024 के प्रयासों के साथ बड़े सिलसिलेवार तरीके से चीजों को मजबूत किया। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई है, इन खबरों को समझाएंगे आपको, पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। हालांकि समझ लीजिए कि एक बार फिर एक नया प्रयास, एक नई खबर और एक नई जानकारी सामने निकल करके आ रही है कि आज कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी की भूमिका बहुत तेजी से मजबूत हो रही है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले कई सालों के बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम स्थापित किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश की जनता अगर बदलाव की तरफ आगे जा रही है तो हम खुश नसीबी इस बार हासिल कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना नहीं, बल्कि अगर हमें वोट करना हुआ तो हम वोट सिर्फ और सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर करेंगे। बेरोजगारी का आलम पलायन देश में बढ़ता चला जा रहा है। दो लोग अपने एक टुकड़े रोटी के लिए एक दूसरे से पलायन हो जाते, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी लालू प्रसाद यादव के परिवार से मिल रही है। लालू प्रसाद यादव लोकसभा का चुनाव इस बार अनमोल होने जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने इस बार के चुनाव में कई बड़ी भूमिका जाहिर की है। हालांकि ये भी बात स्पष्ट है, ये खबरें भी स्पष्ट है, जनता ने भरोसे के साथ मनीष कश्यप पर विश्वास जताया था, पर मनीष कश्यप ने टूटने और बिखरने की खबरों को देकर के सबको चौंका दिया। क्या मनीष कश्यप तमाम चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे? कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा के चुनाव में अपनी एक अलग भूमिका, एक अलग जानकारी जाहिर की है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनता का विश्वास हम जीतेंगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बदलने वाली गवर्नमेंट तेजस्वी यादव की बनी थी और तेजस्वी ने इन्हीं गवर्नमेंट के आधार पर अपने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड जो है वह स्थापित किया है। हालांकि इस वक्त बड़ी खबर यह है कि कई ट्रेनों के लेट चलने से, सही ढंग से, सुचारू ढंग से चीजें ना मिलने से आज परेशानियां बढ़ रही है, लेकिन लोगों को इससे भी दूर किया जा रहा है। साथ ही साथ किस तरीके से बीजेपी की बड़ी भूमिका सम्राट चौधरी को लेकर दिखाई दे रही है। सम्राट चौधरी ने लगातार देश के अनेकों हिस्सों में मजबूती जाहिर की है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि जो गवाहों को पेश किया गया, जो लोगों को पेश किया गया, उन लोगों का आधार बीजेपी थी, बीजेपी के आधार से इन लोगों का सिलसिला चल रहा था। हालांकि ये खबर भी आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट है कि किस तरीके से
आज मायावती ने और इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी ने तमाम और शक्तिशाली बड़े नेताओं ने अपने समर्थन में वोटों का एक एकत्रित बड़ा जनसैलाब उमाड़ा है। हालांकि ये बात स्पष्ट है, ये बात साफ है कि पप्पू यादव लोकसभा का चुनाव लड़ते लड़ते थक गए हैं। इस बार निर्दलीय उन्हें जनता विश्वास मतों को देकर के हासिल करा रही है, जबकि जीत जो है वो करीब तक दिखाई दे। इस वक्त कांग्रेस नेता ने एक नया सिलसिलेवार तरीके से चीजों को स्पष्ट किया है, जनता का विश्वास जीता गया है। हालांकि ये बात साफ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के चुनाव में कई आरोप लगे चीज़ों पर, लेकिन इन सभी चीज़ों को टारगेट कर बेहतर और बेहतरीन चीज़ों पर ध्यान देने की बातें कही है। हालांकि दोस्तों ये बात साफ है कि लोकसभा का चुनाव भी इस वक्त तमाम बड़े दिग्गज नेता अपने दमखम पर लड़ना चाहते हैं और इन नेताओं ने अपने जबरदस्त कहानियों को भी लड़ा है, इस जबरदस्त कहानियों को भी बेहतरीन बनाया है। इन सभी खबरों के बीच में एक बहुत बड़ी जानकारी, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज मौसम का बदलता टेम्परेचर। सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है कि देश की जनता का विश्वास एक आधार पर लगातार बदल रहा है, एक कोशिशों के साथ बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर विश्वास हासिल किया है। तेजस्वी ने कहा कि पिछले कई सालों से हमने अपने रिकॉर्ड को स्थापित किया है, पिछले कई सालों से हमने अपनी कहानियों को मजबूत किया है, हमने देश की जनता का विश्वास जीतने के लिए हम अपनी आधार को रख रहे हैं, हमें लोकसभा के चुनाव में जो बड़ी भूमिका मिली है, जो बड़ी जानकारी मिली है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देश की जनता का विश्वास जीतने के लिए आ रहे हैं, हम देश की जनता को एक आधार, एक मत अधिकार और एक बहुत बड़ा प्रयोग के साथ बड़ा समर्थन की अपील करते नजर आ रहे हैं, हम लोकसभा के चुनावों को जीत करके एक बड़ा रिकॉर्ड स्थापित करेंगे, हम 40 नहीं बल्कि सभी सीटों पर अपने कैंडिडेटों को जब उतार रहे हैं तो हमें इस बात को लेकर के काफ़ी कार्य करना है ताकि हम किसी भी तरीके से पीछे मुड़ कर ना देखें, हमें आगे की तरफ अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास करें। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अशोक गहलोत से लेकर के तमाम लोगों ने अलग अलग जानकारियां, अलग अलग खबरें और महत्वपूर्ण तौर पर बेहतर कोशिश किया है। अशोक गहलोत ने बताया कि राजस्थान में चुनाव हार चुके हैं हम, लेकिन राजस्थान की जनता ने हमें अपने आधार को फिर से देकर के, आशीर्वाद को फिर से देकर के आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि देश की जनता का विश्वास हम पर है और हमें देश की जनता का विश्वास एक दूसरे के लिए कायम करे रहना है, हमें पता है कि हम एक दूसरे के लिए मजबूत कैसे होंगे, हम एक दूसरे के लिए ताकतवर कैसे होंगे और ये कोशिश जो है हम आगे लड़ेंगे, बेहतर तरीकों से लड़ेंगे, हमें देश की जनता के लिए जी हाँ आपको बता दें कि ये कोशिश करनी है और देश की जनता का विश्वास हमें जीतना है। अशोक गहलोत ने पिछले कई सालों के बड़े रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किए हैं, देश की जनता का विश्वास भी जीता है और एक बड़ा आधार उनके पास जा चुका है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज एक बार फिर से एक नई खबर के साथ, एक नई शुरुआत के साथ अलग अलग जानकारियां स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि सरसों की तेल की कीमत, महंगाई की मार और अलग अलग कहानियों के साथ बड़ा वार दिखाई दे रहा है। जी हाँ, महंगाई लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सरसों के तेलों में मिलावटखोरों की एक बड़ी जनसैलाब उमड़ रही है और ऐसे में मिलावटों को रोकने के लिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है, पर ये प्रयास बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी है और स्पष्ट तौर पर एक नई खबर यह है कि देश की जनता का हम विश्वास जीत रहे हैं, हम देश की जनता का अधिकार जीत रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से, जी हाँ आपको बता दें कि देश में शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए, अगर हम शिक्षा व्यवस्था को बदलने में अपनी कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, हमने अपने रिकॉर्ड को स्थापित कर लेते हैं तो हम जीत की तरफ और भी अपने आप को बेहतर। सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती और इसके साथ अनेकों लोगों ने अलग अलग कहानियां बनाई हैं। ममता बनर्जी ने भी लोकसभा के चुनाव में जीत के तरफ आगे बढ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि हमें 2024 के लिए जीतना है, हमें 2024 के लिए कहानी को मजबूत करना है, हम रिकॉर्ड तोड़ अपने अधिकारों को जीत रहे हैं, हम देश के विश्वास को जीत रहे हैं, हम इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि देश का जो अधिकार है, जो विश्वास है, उसे एक नया सिलसिलेवार तरीके से सजाए और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें।
दोस्तों ये बात साफ है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत भी महंगाई की मार की तरह लगातार बढ़ रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमत ने लोगों का कमर तोड़ रखा है। महंगाई की मार अलग अलग तौर तरीकों से पड़ रही है। महंगाई जो है इस बार लोगों को काफ़ी ज़्यादा झुका रही है। ये बात साफ है कि देश में एक अलग प्रेम, एक अलग कहानी, एक अलग जानकारी सामने आ रही है। और ऐसे में ये स्पष्ट है कि हमें और ऐसे में टूटने और जो महंगाई है। दोस्तों साफ तौर पर इस बार जो है वो किसानों को इस एक अलग प्रेम दिखाई दे रहा है। किसानों ने साफ तौर पर देश की जनता से यह अपील किया है। देश की जनता का एक दूसरे के लिए प्रेम, मोहब्बत और बड़े संदेशों के साथ अनेकों कहानियों को उन्होंने स्पष्ट किया है। देश की जनता का विश्वास हासिल किया है। देश की जनता ने जो किसानों का मताधिकार है, जो प्रयोग है, जो उनका एक प्रेम है किसानों के प्रति, वो अलग भावना इस बार रखी जा रही है। हालांकि किसानों के लिए आप क्या सोचते हैं, आपके बारे में किसानों का अलग प्यार क्या रहता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। अक्सर हम आपकी बातों का इंतज़ार करते रहेंगे, अक्सर हम विस्तार से खबरों को देते रहेंगे, समझाते रहेंगे। फिलहाल इन खबरों को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।